गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देखेंगे निर्णय प्रक्रिया पर साइमन के विचार। लोक प्रशासन में व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख प्रणेताओं में हर्बर्ट साइमन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने प्रबंधन को निर्णय के समक्ष माना है। यह प्रबंधन को एक निर्णय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार प्रबंधन का मुख्य कार्य निर्णयन है। साइमन लिखते हैं, प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है तथा निर्णय लेना उसकी आत्मा या हृदय है। प्रबंधन को व्यवसाय के संगठन की समस्याओं के समाधान के लिए भी समय समय पर बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे प्रशासन के संगठन का स्वरूप क्या है, अधिकार, उत्तरदायित्व, विवरण आदि। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए साइमन ने कई प्रकार के कारक बताए हैं जो निर्णय की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसे वातावरण, सदस्यों की सहकारिता, संप्रेषण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, मानवीय संबंध आदि। हर्बर्ट साइमन के निर्णय प्रक्रिया का प्रतिमान, मतलब उन्होंने क्या मॉडल पेश किया है। हर्बर्ट साइमन ने अपने निर्णय प्रक्रिया में तीन प्रतिमान बताए हैं। पहला है आवेशन अन्वेषण क्रिया, फर्स्ट है अन्वेषण क्रिया। साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के पहले चरण में समस्या को पहचानने, समझने और स्वीकार करने पर बल दिया है। इस चरण के उन्होंने कई उपचरण भी बताए हैं। यह उपचरण यह अपेक्षा करता है कि समस्या के क्षेत्र, स्तर, प्रकृति को निष्पक्षता के साथ पहचाना जाना चाहिए। इस उपचरण में समस्या के इतिहास को पहचाना जाता है, अर्थात समस्या की पृष्ठभूमि को भली प्रकार समझा जाता है। तृतीय उपचरण में समस्या के से उत्पन्न स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। इसके द्वारा संगठन के मूल्य, उद्देश्य, नीतियों की स्थिति को समझने में सहायता मिलती है। चौथा है समस्या की भावी दिशा और नए क्षितिजों में अन्वेषण, मतलब समस्या का रिसर्च करके हम नया क्या क्या कर सकते हैं, उन बिंदुओं का अध्ययन करना। इसका दूसरा है डिज़ाइन क्रिया। डिज़ाइन एक्टिविटी में निर्णय का दूसरा चरण है तथ्यों की खोज और खोज की कसौटी की जाती है। इसके भी साइमन ने दो उपचरण बताए हैं। पहला है तथ्यों को संगतिपूर्ण ढंग से समस्या के वातावरण से चुनना और दूसरा है तथ्यों का मूल्यांकन करना। पहले तथ्यों को सही तरीके से चुनना और फिर उन चुने हुए तथ्यों का मूल्यांकन करना कि वह उस समस्या के संबंध में सही है, सही खड़े उतरते हैं या नहीं। तीसरा चरण चयन क्रिया, विकल्पों का चयन। निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण विकल्पों का चरण या चयन क्रिया है। इस चरण में विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव किया जाता है। निर्णयकर्ता को अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के आधार पर बहुत से विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होता है। अब हम देखेंगे निर्णय प्रक्रिया की समस्याएं। निर्णय प्रक्रिया की समस्याओं में है अधिक कार्यभार। एक प्रशासनिक संगठन में निर्णय लेते समय जो वहाँ की मुख्य कार्यपालिका होती है उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यह अधिक इस बहुत अधिक कार्यभार के कारण ही
कई बार क्या होता है कि वो जो मुख्य समस्या है उस पर ध्यान नहीं दे पाते और गौण समस्या में उलझ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य समस्या के प्रति अपना ध्यान देना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे संगठन को काफ़ी क्षति होती है। मुख्य कार्यपालिका के अधिक कार्यभार बढ़ने का एक कारण ये भी है कि जो अधीनस्थ हैं वो निर्णय में रुचि नहीं लेते और निर्णयों से बचने की कोशिश करते हैं। दूसरा कारण ये है कि समय मुख्य कार्यपालिका जो मुख्य कार्यपालक है अधिकारी है वो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रतिदिन के कार्यों में अपने आप को उलझाए रखता है। दूसरी सीमा है प्राथमिकता प्रदान करने की सीमा। जैसा कि हमने पहले पॉइंट से संबंधित यह कि अधिक कार्यभार होता है, ऐसे समय में किस समस्या को पहले किया जाए इसको लेके भी मुख्य कार्यपालक को समस्या उत्पन्न हो जाती है। वो क्या पहले किसे प्राथमिकता दे, गलत विषय को प्राथमिकता देने के कारण भी निर्णयों को क्षति होती है। निर्णयों की सार्थकता निश्चित करना। प्रशासकीय निर्णयों की सार्थकता निश्चित करना भी एक समस्या है जिसके लिए कार्यकुशलता, मितव्ययता आदि मापदंडों को स्वीकार करके निर्णयों की सार्थकता निश्चित की जाती है। मध्यम स्तरीय अधिकारियों के निर्णयों की सीमाएं। वो उच्च अधिकारियों की सीमाएं देखी थी, अब जो मिडिल अधिकारी होते हैं उनके निर्णयों में क्या क्या सीमाएं आती हैं। लक्ष्य की सीमा। मध्य अधिकारियों के निर्णय उस लक्ष्य के अनुरूप ही होते हैं जो उच्च अधिकारियों के द्वारा लिए गए। वो उच्च अधिकारियों के अगेंस्ट निर्णय नहीं ले सकते, उनके अनुकूल ही लेना पड़ेगा। मापदंड की सीमाएं। उच्च अधिकारियों के द्वारा पहले से ऐसे मापदंड निश्चित कर दिए जाते हैं जिसके अंतर्गत मध्य अधिकारियों को निर्णय लेने पड़ते हैं। वो अपने निर्णयों में व्यक्तिगत इच्छा या स्वतंत्र नहीं होते, पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुरूप उन्हें निर्णय लेने पड़ते हैं। विशिष्टीकरण की सीमा। संगठन में विशिष्टीकरण के सिद्धांत को लागू कर दिए जाने से मध्यम स्तरीय अपने विशेष क्षेत्र में ही निर्णय ले पाते हैं। जैसे अपने अपने कॉलेज के वे में देखें तो जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है उससे संबंधित कोई निर्णय लेना है तो वो पॉलिटिकल से संबंधित मतलब जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह ही लेंगे, दूसरे सब्जेक्ट वाले नहीं ले सकते। ये लिमिट्स हो गई है। औपचारिक सीमा। मध्यम अधिकारी के द्वारा लिए गए निर्णय उच्च सत्ता के विचार, पर्यवेक्षण, स्वीकृति, निर्देशन आदि के विषय होते हैं। इन पर औपचारिकताएं बहुत अधिक होती हैं। स्वेच्छाचारिता की सीमा। मध्यम अधिकारी से जिस व्यवहार की कल्पना की जाती है उसमें भी उन अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता को उच्च अधिकारियों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। सूचना। आमतौर पर उच्च अधिकारी अधीनस्थों को तरह तरह की सूचना भेजकर भी उनकी स्वेच्छा पर अंकुश लगाते हैं। समय सीमा, टाइम लिमिट्स। मध्य स्तरीय अधिकारी के लिए निर्णय लेने की समय सीमा निश्चित कर दी जाती है। इससे भी वे अपनी इच्छा से निर्णय नहीं ले सकते। निश्चित व्यवहार की सीमा। कुछ निश्चित समस्याओं के क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों से एक निश्चित प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं और मध्यम स्तरीय अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। उच्च अधिकारियों के निर्णयों की सीमाएं क्या है। सुझावात्मक निर्देशन की सीमा। प्रशासनिक संगठनों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखने वाले अधिकारियों के निर्देशन और सुझावों का पालन उच्च अधिकारी को करना पड़ता है। वो अपने से उच्च अधिकारियों के निर्देशन की अवहेलना नहीं कर सकते। अधीनस्थों का व्यवहार। अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होते हैं वैसे तो, लेकिन वो अधीनस्थों के व्यवहार के विपरीत भी कोई कार्य नहीं कर सकते। समूह का प्रभाव। स्थानीय राज्य है, संघ है, सरकारी अभिकरण है, प्रबंधन से अनुबंधन करने वाले पक्षकार हैं, आर्थिक समूह है, पंच निर्णय, उत्पादन संघ आदि का उच्च अधिकारियों पर प्रभाव पड़ता है। संगठन के अध्ययन निर्णयों पर ऐसे समूहों का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने देखा कि निर्णय में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं जिन्हें एक उच्च अधिकारी और मध्यम अधिकारियों को
सहन करना पड़ता है और उन समस्याओं का किस तरह से वो प्रभावी अध्ययन कर सकते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया एक बौद्धिक गतिविधि है और एक तार्किक मार्ग का अनुसरण करने के साथ साथ ये अन्य कई अतार्किक भावनात्मक रहस्यमय तत्वों का भी अनुसरण किया जाता है।